वक्त है गुड नाइट एक्टिव प्लस बेस्ट टीम ऑफ द डे का खिताब का। सो ग्रैंड मास्टर प्लीज हमें बताइए कि किसने जीता है ये खिताब। द बेस्ट टीम एक्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलता है जेके जकास को। कॉन्ग्रेचुलेशन जेके जकास, आपके सुपरलेटिव परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलता है गुड नाइट एक्टिव प्लस की तरफ से ये गिफ्ट हैंपर। जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूंगा कि 12 जोन में भेजी गई सभी चार सुपर मॉम्स श्रद्धा, दिव्या, राधिका, फुलवा, उनके स्किपर्स के साथ प्लीज मंच पर आ जाए। ग्रैंडमा से आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैसा कि कोई इंजर्ड हो गया है, सो डॉक्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, सो जस्ट हैव अ लुक। लास्ट वीक बैसाखी को डांस रिहर्सल करते समय लेफ्ट नी में इंजरी हुआ था, जिससे कुछ लिगामेंट स्प्रेन हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली उसको ये हफ्ते वापस सेम नी में इंजरी हो गया है। वो लिगामेंट दोनों हड्डी को जोड़ के रखते हैं, वो कमजोर था, उसको चोट लगने से वो टूट गया। इस बार लगता है कि वो थोड़ी डीप इंजरी है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि उसको एक मंथ रेस्ट करना चाहिए। ग्रैंड मास्टर, डॉक्टर ने कहा है कि वैसाखी को एटलीस्ट 1 मंथ का रेस्ट लेना होगा। ओह माय गॉड। वैसाखी, अभी तक तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब तो ये कोशिश के बाहर। डॉक्टर के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। 1 महीना रेस्ट मतलब, आई एम सॉरी वैसाखी, नेक्स्ट टाइम सुपर मॉम हम आपको जरूर इन्विटेशन देंगे। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात, आज आई विल बहुत सोच समझ के बाद बहुत प्रेशर हो गया, क्योंकि चारों के चारों ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आई एक ही एलिमिनेशन होगा, नॉट टू, ओनली 1। थैंक यू। ग्रैंड मास्टर का फैसला मेरे पास है, तो वो पहली सुपर मॉम जिसने ट्रायल जोन पार कर लिया है वो है फुलवा। वो दूसरी सुपर मॉम जिसने ट्रायल जोन पार कर लिया है वो है राधिका। कंग्रेचुलेशन राधिका, आप अपनी जगह पर जाके बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिव्या, श्रद्धा, आप में से कोई एक आज ये मंच छोड़कर चले जाएगा। दिव्या, रियली सॉरी, बट डांस के सबसे बड़े मंच पर आपका सफर सिर्फ यहीं तक था। ये लम्हा जो खो गया तुम गम न करना।